नमस्कार दोस्तों, हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका भारत एक मौज में। गर्मी जा नहीं रही है, इकोनॉमी उठ नहीं रही है, जीडीपी नेगेटिव में चला गया है, कोरोना पास नहीं आ रहा है, लेकिन ये कुछ फर्ज हैं वो तो निभाने ही पड़ेंगे। उस फर्ज के चलते मैं एक और एपिसोड लेके आ गया हूँ उस प्रोग्राम का जिसका नाम है भारत एक मौज। दोस्तों आपको पता है एक बंदा है सुरेश चौहान के, वो एक चैनल चलाता है जिसका नाम है सुदर्शन, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से एक बड़ी ज़बरदस्त बात निकाल के लेके आए हैं। उनकी जर्नलिज्म के हिसाब से, उनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हिसाब से मुसलमान जो है एक साजिश के तहत UPSC में घुसने की कोशिश कर रहा है। सोची समझी साजिश को बोलो कैसे ना हम क्या कहें, आतंकी को आतंकी ना कहकर क्या उनको दामाद कहें, जो सब कुछ दिख रहा आंखों के सामने कैसे उसको हम ख्वाब कहे। उनकी जिद तो इतनी है कि लादेन जिंदाबाद कहे, मैं भारत माँ की जय बोलूं भले वो जाकिर को अपना बाप कहे। मतलब उनके हिसाब से जो यूपीएससी का एग्जाम है वो नानी के घर की तरह है कि गर्मियों की छुट्टियों में कोई भी हाथ हिलाते हुए घी बुरा खाने के लिए वहां पर चला जाए। तो ऐसे ही घीबुरा खाने के लिए मुसलमान कोई साजिश रच रहे हैं और उसमें घुसे जा रहे हैं। मतलब ये बात अलग है कि सारे लोग एक ही सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि जितने लोग इतने सालों साल मेहनत करते हैं, कोचिंग लेते हैं यूपीएससी में सिविल सर्विस में जाने के लिए, इतनी माथाखबाई क्यों कर रहे हो यार? है, जाओ किसी मुसलमान से दोस्ती करो, झांसा दो उसको, उससे दोस्ती करो, उससे ट्रिक पूछ लो, वो ट्रिक पता कर लो, आप भी घुस जाओ वहां पे, साजिश का जो काउंटर करो साजिश के साथ। इतना सिंपल सा है, अगर वो मुसलमान कर सकते हैं तो आपको करने में क्या दिक्कत है। वैसे ये मुझे पहली बार पता चला है कि हिंदुस्तान में सिविल सर्विसेज में मुसलमान अगर जाता है तो वो किसी साजिश के तहत ही जा रहा है। ये मेरे को पहली बार पता चला कि मैं भी अज्ञानी हूं ना, मुझे क्या, मुझे भी धीरे धीरे अकल आ रही है कि अब ज्यादा हम देशद्रोही बन के नहीं रह सकते, अब नया जो दौर आया है उसके हिसाब से हमें देशभक्त बनना है। कि मैंने जो लड़ाई यहां शुरू की है, जिसको मैंने नौकरशाही जिहाद और यूपीएससी जिहाद कहा है, इसको अंतिम सांस भले ही लगे लेकिन मैं इसको अंतिम पड़ाव तक लेकर जाऊंगा। इस देश की व्यवस्था में घुसने के रास्तों को बंद करूंगा। इस देश की यूपीएससी सिस्टम का मैं पुनः नवनिर्माण करने के लिए भारत सरकार को आग्रह करूंगा, और वो करने तक शांत नहीं बैठूंगा। केवल मीडिया चैनल ही नहीं, सारे रास्ते जो संविधान ने मुझे दिए हैं उसका उपयोग करके इस लूट को रोक कर दिखाऊंगा, ऐसा वचन मैं आज आपके सामने देता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उमर खालिद को अरेस्ट कर लिया गया है, और अरेस्ट करने के बाद उसके ऊपर कम से कम 20 धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और भी न जाने क्या क्या, दंगा भड़काना, फलाना ढीमका, और आईसी ऑन द केक UAPA भी उसके ऊपर लगा दिया गया है, और उसको पकड़ के अब बंद करके रखा हुआ है। और जो है कि ये कहा गया है कि उमर ने अपनी स्पीच में लोगों को दंगा करने के लिए भड़काया, उकसाया, और वो स्पीच जो दी गई थी, जिसका जिक्र करा गया है, वो दी गई थी महाराष्ट्र में अमरावती में, और वहां की स्पीच सुन के दिल्ली में लोग भड़क गए और दिल्ली में दंगे हो गए। वो स्पीच क्या थी एक बार आप देख रहे हैं। देश के लिए कुर्बानी देने का इतिहास है हमारा, इतिहास देश की आजादी के लिए लड़ने का इतिहास है, और अगर इस आजादी पे जो आजादी जामिया मिल्लिया इस्लामिया और देश के वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी और देश के वो तमाम लोग जिन्होंने देश की बुनियाद रखी, हमारा संविधान को बनाया, अगर उस संविधान पे अगर हमारी देश पे आज आएगी तो अपने स्वतंत्रता सेनानियों की तरह आज हम अपनी आजादी को, अपने लोकतंत्र को और अपने संविधान को बचाने के लिए खड़े होंगे। अगर लाठियां बरसानी है तो बरसाइए, गोलियां चलानी है तो चलाइए, जेल में डालना है तो डालिए, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये स्पीच देखने के बाद अब आप ये बताइए, इस स्पीच के अंदर वो ये उमर जो है बात कर रहा है शांति की, कॉन्स्टिट्यूशन की, भाईचारे की, देश की एकता की, नेशनल इंटीग्रिटी की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात शांति की बात कर रहा है, ठीक है, और ये सुन के दिल्ली में लोग भड़क गए कि दंगे करने चाहिए, ये इल्जाम लगाया गया है। इसके चलते आप ये भी देखते चाहिए कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर की स्पीचेस क्या थी। जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं, उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूँ, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल एक महीने का समय मुझे दे देना, मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है एक महीने के अंदर एक मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा।
दोस्तों आपने क्लियरली देखा कपिल मिश्रा बोल रहा है कि अब हम कुछ दिन के बाद ट्रंप के जाने के बाद हम पुलिस से भी नहीं रुकेंगे, हम फिर सड़क पर उतराएंगे और जो करना है करेंगे। अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं कि देश के गद्दारों को पीछे से उनका जो फॉलोअर्स बोल रहे हैं गोली मारो सालों को, बिल्कुल वैसे ही जैसे मतलब ऐसा नहीं कि अनुराग ठाकुर ने ये बोला गोली मारो सालों को, लेकिन उनकी सभा में हुआ बिल्कुल वैसे ही जैसे जागरण में कोई बोलता है बोल शेरावाली माता की पीछे से लोग जय बोलते हैं, तो आशीर्वाद बोलने वाले को भी मिलता है और पीछे से जो कोरस है उसको भी मिलता है, तो वही हाल अनुराग ठाकुर के साथ भी है। इन दोनों की स्पीच जो कि दिल्ली में हुई थी, इनसे दंगे नहीं बढ़ के, इनसे किसी में कोई फर्क नहीं पड़ा, इनके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं है, कोई जिक्र भी नहीं है इनका, लेकिन उमर खालिद ने जो महाराष्ट्र में शांति और अमन की स्पीच दी उसकी वजह से दिल्ली में दंगे भड़क गए। बात यह कि हमारे देश में ना एक नेशन बिल्डिंग का एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हमारे देश के इकोनॉमिक्स, एकेडमिक्स, फिल्म मेकर्स, राइटर्स, पोएट्स, एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, उन सबको जेल में डाला जा रहा है और पीपल लाइक कपिल मिश्रा एंड अनुराग ठाकुर इनके हाथ में देश की मशाल थमाई जा रही है कि ये मशाल लेके आगे बढ़ो, बाकी लोगों को हम बंद कर रहे हैं। दोस्तों प्यार मोहब्बत अमन शांति और गांधीवाद का जमाना गया, खत्म हो चुका है। अपने बच्चों को सच्चाई अमन शांति प्यार मोहब्बत नेशनल इंटीग्रिटी मत सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए कि जो अंग्रेज ने किया था डिवाइड एंड रूल, क्योंकि अगर अपने बच्चों को डिवाइड एंड रूल और नफरत सिखाएंगे हैं तो ही वो नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, उनको ऊंचे ऊंचे ओहदे मिलेंगे, तो ही सरकार उन्हें जेल से बाहर रखेगी। अलबत्ता अगर आपने अपने बच्चों को यह सिखाया कि अमन शांति भाईचारा मिलकर रहना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी करके रखनी है, इस मुल्क को संभाल के रखना है, तो आपके बच्चे जरूर जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। आखिर नेशन बिल्डिंग का सवाल है भी ये कंगना रनौत को डराने के लिए था या ये एक मैसेज था आपकी हिम्मत को तोड़ने का? और मुझे लगता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया है। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने है? कुछ लोग खामखा कंगना दीदी को गालियां दे जा रहे हैं यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कंगना दीदी ने देश की कितनी बड़ी समस्या सॉल्व करी है, हम लोग इतने महीने से बौखलाए घूम रहे थे, चाहे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे और इकोनॉमिस्ट हो, चाहे ज्ञानी विज्ञानी हो, इस सरकार के जो भी हैं, सब बौखलाए घूम रहे थे कि क्या हो गया भैया, जीडीपी इतनी डाउन कैसे होगी, इकोनॉमी इतनी कैसे गिर गई, नौकरियां कहां चली गई, इतनी सारी कोरोना कैसे इतना फैल रहा है, चाइना कैसे अंदर घुस रहा है, किसी के पास सवालों के जवाब नहीं थे। कंगना दीदी ने एक मास्टर स्ट्रोक में सबके पीछे की जो असली कल्प्रिट थी उसको पकड़वा दिया, रिया चक्रवर्ती गांजे में भर के जो इकोनॉमी जीडीपी और नौकरी सबको फूंक गई और धुएं में कोरोना फेंक दिया, जो मोदी जी ने इतनी थाली दिए पिटवाए थे सब पे करे कराए पे पानी फेर दिया और कंट्री में कोरोना ऐसे फैल रहा है जैसे जंगल में आग है, ऊपर से नशे में जिनपिंग को फोन भी कर दिया इसने रिया चक्रवर्ती ने के तू मेरा सच्चा दोस्त है आजा लद्दाख में मिलते हैं, ये सुन के वो चला ही आ गया वहां पे। ये सारे सब सिस्टम के पीछे जो है ना रिया चक्रवर्ती थी और कंगना दीदी ने इनको एक्सपोज किया है, और कंगना दीदी तो अब ये भी सोच रही है कि नार्कोस का अगला सीजन जो है ना वो बॉलीवुड में सेट होगा है, क्यों? उनके पास पाब्लो एस्कोबार है तो हमारे पास रिया चक्रवर्ती है, उनके पास काली कार्टेल है तो हमारे पास जो है बॉली कार्टेल है, तो ये होना बहुत मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आप देखो बड़े लेवल पे सोचिए, छोटी छोटी सोच मत लेके, कंगना दीदी बहुत बड़े लेवल पे सोच रही है, उन्होंने असली कल्प्रिट को पकड़वा के लाके सामने रख दिया, ये उन्हीं के करे धरे की बदौलत है कि आज हमारा जर्नलिज्म इतना जागरूक हो चुका है, हमारा मीडिया इतना जागरूक हो चुका है कि रिया जेल में क्या कर रही है, किस पे सो रही है, क्या खा रही है, माथे में कितनी शिकन है, जहन में क्या ख्याल आ रहा है, उसको पछतावा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके चेहरे पे फ्राउन है या नहीं है, मिनट मिनट की रिपोर्टिंग आपको हमारा मीडिया सिर्फ कंगना दीदी के एफर्ट की वजह से दे रहा है। आपको यकीन नहीं होता देख लीजिए क्या हो रहा है। खिला जेल की क्वारंटीन बैरक में रिया कल रात भर करवटें बदलती रही, ठीक से सोई नहीं, वो रात 11 बजे तक रिया अपनी बैरक में चहलकदमी करती दिखाई दी, रात 12 बजे के बाद रिया ने अपना बिस्तर लगाया, रिया को जेल में एक चटाई, एक चादर और एक बिछौना मिला है, रात 2:30 बजे तक बैरक में अपने बिस्तर पर बैठी रही। जेल के कर्मचारियों ने बताया कि रिया के चेहरे पर तनाव और परेशानी साफ दिखाई दे रही है, उसने रात में कई बार पानी पिया, बैरक में रिया को खाना रात 8 बजे दिया गया, खाने में दाल चावल रोटी और सब्जी थी, रिया ने सिर्फ एक रोटी खाई, थोड़ा सा चावल खाया। जेल के जिस कमरे में रिया है वो 15x10 फीट का क्वारंटीन बैरक है। ये होता है असली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ये होता है जान जोखिम में डाल के पंचअप करके असली खबरें निकाल के लेके आना, इसको कहते हैं असली जर्नलिज्म, और इस सब के पीछे कंगना रनौत दीदी का हाथ है, और आपने उनका ऑफिस तोड़वा दिया यार, ये कोई इंसाफ की बात थोड़ी है। अब ये देखो आपने ये वीडियो देखा, जर्नलिज्म इसको कहते हैं, जर्नलिज्म ये लोग कर रहे हैं
हैं और मैं कैसा ऐसा ही खामखा में ले गया रविश। एक संसाधन संपन्न शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है और इसमें देश की समृद्ध भाषा हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री जी द्वारा हिंदी में दिए गए भाषणों से हिंदी का वैश्विक कद मजबूत हुआ है और हिंदी प्रेमियों को प्रेरणा भी मिल रही है। इससे देश की युवा पीढ़ी भाषा के साथ जुड़ने की ओर अग्रसर हुई है। बस आवश्यकता इस बात की है कि आगामी पीढ़ी को अधिक से अधिक सूचनाएं हिंदी में उपलब्ध कराई जाएं और उनमें ऐसे संस्कार विकसित किए जाएं कि वह मूल रूप से हिंदी भाषा में काम करे। दोस्तों पिछले दिनों हिंदी दिवस था, मेरी भी मातृभाषा हिंदी है, मुझे हिंदी में मेरा हाथ सबसे ज्यादा साफ है, मैं हिंदी में ही सोचता हूँ, हिंदी में ही बोलता हूँ। अंग्रेजी जानता हूँ लेकिन इतने अच्छी तरीके से अपने आप को अंग्रेजी में एक्सप्रेस नहीं कर पाता जितने हिंदी में कर पाता हूँ, क्योंकि हिंदी बेल्ट में ही पला बड़ा हूँ, यहीं पे मैंने एजुकेशन ली है और यहीं पे ज़्यादातर मेरे दोस्त इसी भाषा में बात करते हैं, बचपन से ये होता आया है। मुझे ये नॉर्थ इंडिया की जो काओ बेल्ट है ना, इसके लोग बड़े सीधे और सरल लगते हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, कॉम्प्लिकेटेड डिस्कोर्स में नहीं पढ़ते हैं, वो डाइवर्सिटी वाले वो सिंपल सी बात कहते हैं कि भाई हमारा खाना पूरे इंडिया का खाना, हमारा पहनना पूरे इंडिया का पहनना, हमारा सिनेमा पूरे इंडिया का सिनेमा, हमारी लैंग्वेज पूरे इंडिया की लैंग्वेज, प्रॉब्लम क्या है? ये जो तमिल, तेलुगु, मराठा, मराठी, असमीज, बंगाली, इतनी सारी लैंग्वेजेस का मतलब क्या है भाई? जब हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो आपकी भी लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। आप कितनी भी बनाते रहो मलयालम में फिल्में, लेकिन असली सिनेमा बॉलीवुड ही है। अभी सुब्रमण्यम भारती रहे होंगे तमिल के बहुत बड़े पोएट, लेकिन हिंदी के तो नहीं है ना। दुनिया की कितनी भी आप लैंग्वेजेस उठा के देख लीजिए, हिंदी उसमें सर्वोपरि है। और ये हमारे बड़े बड़े नेताओं ने कहा है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बोला कि हिंदी जोड़ती है, बाकी सारी भाषाएं तोड़ती हैं, हिंदी जोड़ती है। वन नेशन वन लैंग्वेज, इतनी सी बात समझना कितना मुश्किल काम है। आप सब हिंदी बोलो, बाकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो भी जैसे कि मैंने बोला, असमीज, बंगाली, मराठा, गुजराती, जितनी भी लैंग्वेजेस इंडिया में हैं, छोड़ो ना उसको, हिंदी, बिकॉज हिंदी जोड़ती है। क्योंकि काओ बेल्ट सिर्फ हिंदी जानती है और काओ बेल्ट को लगता है कि जो वो है वही पूरा इंडिया है। कितना सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है, इसको समझने में इतना मुश्किल क्यों हो रही है आपको? डू नॉट कॉम्प्लिकेट द डिस्कोर्स, प्लीज बी हिंदी। गांव में परेशानी कम हुई है, हमारे गांव की ये ताकत देश के विकास की गति को भी तेज करने में अग्रणी भूमिका निभाएं, इसी विश्वास के साथ आप सभी किसान साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नहीं भाई, यहाँ किसान रैली मारे हैं, अगर किसान पुत्र किसान की कोख में जन्म लिया है तो भाई साहब बीजेपी का बहिष्कार कर दो, आप भी कराओ में भी कराओ, और किसान बेटा नहीं है अगर जो बीजेपी का समर्थन। सही बात। दोस्तों कुछ लोग कमाल ही है हमारे मुल्क में, मतलब कई फजूल फजूल की बातें कर रहे हैं, उन्हें देश की कोई फिक्र ही नहीं है, कह रहे हैं कि फार्मर्स का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हरियाणा में पीपली में और मीडिया ने उसको कवर ही नहीं किया। आप लोग पागल हो क्या? मीडिया के पास इतने जरूरी जरूरी काम है, सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाना है यार, रिया चक्रवर्ती को जेल भेजना है, कंगना की बात सुननी है, और आपको फार्मर्स की पड़ी हुई है? आपका दिमाग खराब है? थोड़ा तो सोच के बोलो देश के बारे में यार, क्यों देशद्रोही बन रहे हो? हैं, फार्मर्स को भी क्या सूझी यार? इतना मीडिया हमारा इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज में बिजी है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उनके रिपोर्टर्स भाग रहे हैं पीछे पीछे हर चीज के, और आपको लग रहा है कि आप प्रोटेस्ट करने आ गए हो हाईवे पे और मीडिया आपको कवर करेगा? आपको नई महाभारत सूझगी? काम खा यार, आपके पास एक सिंपल सा काम है, वो भी आपसे नहीं होता है, आपके पास काम है, आप मेहनत करो, खेती करो, पसीने बहाओ, हमारे लिए खाना पैदा करो, ये आपका काम है, है? अगर आपको अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिल रही है तो कर्ज ले लो यार, अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे हो तो कर्ज लो, कर्ज नहीं चुका पा रहे हो तो सिंपल सा है, आत्महत्या कर लो, ये क्या मतलब है सड़क पे निकल के आगे? देश में इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं और आप ये सड़क पे प्रोटेस्ट करने आ रहे हो, मीडिया आपको कवर क्यों करे? आपको कवर नहीं करेगा मीडिया, सरकार भी क्या करे? कवर तो करवाना, तो पुलिस की लाठियों से आपको कवर करवा दिया सरकार ने। अब सिंपल सी बात है, जय जवान जय किसान के जमाने गए, इट इज नॉट द सेम इंडिया एनी मोर। जय जवान जय किसान नहीं है, ये बात और है, जो जवान सीमा पे लगा हुआ है, जो मर रहा है वो भी किसी गरीब किसान का ही बेटा है, बट दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, नॉट नाउ, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट इट राइट नाउ, एंटी नेशनल। फॉर फार टू लॉन्ग देयर हैज ओनली बीन नेगेटिविटी अबाउट इंडिया ऑन द डिजिटल मीडियम। रिपब्लिक वर्ल्ड इज माई कैंपेन अगेंस्ट द नेगेटिविटी प्रेवलेंट ऑन सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई ऑफर यू अ चॉइस।
Get the content that builds the nation. Avoid the content and avoid everyone on digital media who speaks against the nation. दोस्तों अब मैं जा रहा हूं, तीन जोड़ी कपड़े निकाले हुए हैं, बड़ी मुश्किल से दाने मंगाए कहीं से, एक फोटोग्राफर का इंतजाम किया है और बड़ी मुश्किल से मोर ढूंढे हैं जो पोज कर सके, दाने खिलाने हैं मेरे को है। अगली बार मिलते हैं आपको फिर से भारत एक मौज में। रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलिया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल, अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिम रखबर मांगे जान के भिक्षा रोज, पर काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज।